तो आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आज मैं आपको पोएम नंबर सेकंड इसको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में। तो इस पोएम का नाम है ट्रू ब्यूटी और जिसको लिखा गया है थॉमस केरे के द्वारा। तो पोएम का क्या नाम है? ट्रू ब्यूटी, और जिसके पोएट कवि हैं थॉमस केरे। और इस कविता में जो पहला स्टेंजा है उसमें कवि ने मनुष्य की बाहरी सुंदरता के बारे में बताया, एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बताया, और दूसरे स्टेंजा में इंटरनल ब्यूटी मतलब आंतरिक सुंदरता के बारे में बताया। और ये भी बताया है कि जो बाहरी सुंदरता होती है वो अस्थाई होती है और जो आंतरिक सुंदरता होती है वो स्थाई होती है। तो देखिए, अब हम इस पोएम के स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, तो इसमें एक पर्सन है, एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से स्नेह करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है वो उसके किन किन चीज़ों से स्नेह करता है। तो देखिए, ही वो मतलब कोई एक व्यक्ति, दैट जो लव्स माने प्यार करता है, रोजी चीक, रोजी चीक माने होता है गुलाबी गाल से प्यार करता है, मतलब एक जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गाल से स्नेह करता है। या कोरल लिप, कोरल मीन्स होता है हल्का लाल, लिप माने तो जानते हैं आप ओठ, तो या हल्के लाल ओठ की, एडमायर्स मन होता है प्रशंसा करता है। तो वह जो गुलाबी गाल से प्यार करता है, यह हल्के लाल ओठों की प्रशंसा करता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज, उसकी तारों की तरह आँखों से, जो उसकी तारों की तरह जो आइज होती हैं उससे, डॉट सी का मतलब ढूंढता है, फॉल माने होता है ईंधन, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स का मतलब होता है अपने प्यार की जो ज्योति होती है, फायर्स का मतलब है प्यार की उमंग या प्यार की ज्योति को बनाए रखने के लिए, अपने प्यार की ज्योति को बनाए रखने के लिए वो ईंधन ढूंढता है। आगे देखिए, एज जैसे ही, ओल्ड टाइम माने बुढ़ापा, मेक्स माने आता है, तो ज्यों ही या जैसे ही बुढ़ापा आता है, दीज डिके माने ये जो चीज़ें होती हैं वो डिके माने नष्ट हो जाती हैं। तो ये जितनी बाहरी सुंदरता है ओठों की और आपके गालों की आँखों की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। सो इसीलिए हिज फ्लेम्स माने उसकी जो ज्योति होती है, जो प्यार की जो ज्योति होती है, मस्ट बेस्ट अवे माने चली जाती है या नष्ट हो जाती है। तो यहाँ ये स्टेंजा फर्स्ट, तो इसको एक बार और दोहराते हैं कि वह जो प्यार करता है गुलाबी गालों से या हल्के लाल ओठों की प्रशंसा करता है, या तारों की तरह जो उसकी आंखें उससे खोजता है, ईंधन खोजता है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, प्यार की उमंग को बनाए रखने के लिए, जैसे ही समय जैसे ही बुढ़ापा आता है ये नष्ट हो जाता है, और उसकी जो प्यार की जो उमंग होती है, जो ज्योति होती है वो भी चली जाती है। तो अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, इसका रफ एक्सप्लेनेशन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये तो एक पोएम की लैंग्वेज है, अपनी ग्रामेटिकल और सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ऐसा करेंगे कि कवि कहता है कि फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, जो शारीरिक सुंदरता होती है वो स्थायी नहीं होती है, इट्स फेड्स, ये मुरझा जाती है विद द टाइम, समय के साथ ये बाहरी सुंदरता मुरझा जाती है। ए वूमेन में है, एक औरत में भी हो सकती है,
चाम सुमन होता, आकर्षण हो सकता है। हर चीक्स में भी रोजी, उसके गाल जो हैं वो क्या कहते हैं लाल गुलाबी हो सकते हैं। उसके हर लिप्स में है फेंटेड रेड कलर। उसके जो ओठ हैं वो लाल कलर के हो सकते हैं। और हर आइज़, उसकी जो आइज़ हैं मे बी ब्राइट माने होता है चमकीली हो सकती हैं, एज स्टार्स तारों की तरह। दीज थिंग्स, ये चीज़ें अट्रैक्ट अ पर्सन टू लवर, ये चीज़ें एक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं उसे प्यार करने के प्रति। बट लेकिन हिज लव विल सून डिके, उसका जो प्यार है वो नष्ट हो जाएगा। व्हेन ब्यूटी इज गॉन अवे, जब सुंदरता चली जाएगी। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेंजा और उसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि फर्स्ट स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में अक्सर कर पूछे भी जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। बट अ स्मूथ, लेकिन उस औरत के बारे में बताया गया है। अब इसमें उस औरत के बारे में बताया गया, मतलब आंतरिक सुंदरता के बारे में, एक औरत की आंतरिक सुंदरता के बारे में बताया गया। तो ए स्मूथ का मतलब है एक समान रहने वाला, स्टैंड फास्ट माइंड का मतलब है स्थिर मन, जेंटल थॉट्स माने होता है सज्जन विचार, एंड काम डिज़ायर्स माने शांत इच्छाएं। तो जिस औरत की या जिस लेडी की एक समान और स्थिर दिमाग, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं होती हैं, हर्ट्स माने हृदय, विद इक्वल लव और बराबर बराबर स्नेह करती हैं, कम्बाइंड सबके प्रति इक्वल स्नेह होता है, बराबर स्नेह होता है और उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, किंडल माने होता उत्पन्न करती है, प्यार को उत्पन्न करती है, और नेवर डाइंग फायर्स का मतलब है जो ऐसा स्नेह होता है वो नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने मरता है, फायर्स माने होता प्यार की जो ज्योति होती हैं, इस प्रकार का जो स्नेह होता है उसकी जो ज्योति होती है, जो ज्वाला होती है वो कभी भी मरती नहीं। Where these are not, जहाँ ये गुण नहीं होते हैं, कवि कहता है जहाँ ये गुण नहीं होते हैं, I despise, despise means होता है हेट, जैसे बोलते हैं नफ़रत करना। तो कवि कहता है जहाँ ये गुण नहीं होते हैं मैं नफ़रत करता हूँ, लवली चीक्स का मतलब होता है सुंदर गालों से और ओठ लिप्स ओठों से और आइज और आँखों से। तो कवि कहता है जिन औरतों में ये गुण नहीं होते हैं उनसे मैं नफ़रत करता हूँ, और मैं नफ़रत करता हूँ सुंदर सुंदर गालों से, ओठों से और आँखों से। एक बार इसको और समझते हैं। ए स्मूथ, एक समान रहने वाला, दृढ़ माइंड, स्थिर दिमाग, सज्जन विचार और शांत डिज़ायर जिन लेडीज़ या जिन महिलाओं की होती हैं वो उत्पन्न करती हैं, स्नेह को उत्पन्न करती हैं, और ऐसा जो प्यार होता है नेवर डाइंग, कभी नहीं मरता है, कभी समाप्त नहीं होता है, इसकी जो फायर्स होती है या ज्योति होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। जहाँ ये गुण नहीं होते हैं कभी कहता है मैं नफ़रत करता हूँ सुंदर सुंदर गाल ओठ और आँखों से। अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में, बहुत ही सिंपल भाषा है। तो क्या कहना चाहता कवि इस पूरे स्टेंजा में, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है सम गुड क्वालिटीज ऑफ ए वूमेन, एक औरत के अच्छे गुणों का वर्णन करता है, विच मेक हर रियली ब्यूटिफुल, जो वास्तव में उसे सुंदर बनाती है। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं वो देखेंगे। सी हैज़ अ कॉन्स्टेंट, वह स्थिर होती है,
स्टेबल माइंड, स्थिर दिमाग होता है या एकाग्र मन होता है। ही सी हैज़ जेंटल थॉट्स, उसके जो विचार होते हैं वो सज्जन होते हैं। काम डिज़ायर्स और दृढ़ या शांत इच्छाएं होती हैं। सी लव्स इक्वली, वह प्यार करती है बराबर टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्य से। द लव दैट अ मैन, प्यार जो एक आदमी फील्स माने महसूस करता है फॉर हर, उसके लिए विल बी ट्रू, सच्चा होगा, एंड परमानेंट और स्थायी होगा। ए वूमेन हु डज नॉट हैव दीज क्वालिटी, एक औरत जिसमें ये गुण नहीं होते हैं, इज हेटफुल, नफरत के योग्य होती है। इवन इफ, चाहे सी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर ही क्यों ना हो। तो ये तो था सेकंड स्टंजा की एक्सप्लेन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए जो 12th क्लास में हैं, प्लीज़। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।